हेलो, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ श्यामलाल गुप्ता, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर. आज हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए, ऑप्टिकल फाइबर पहले एक जनरल आइडिया दे दूँ, होता क्या है. जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे हमारे कई बार कम्युनिकेशन या रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह आपका चलता है, तो वायर के थ्रू हम तक कम्युनिकेशन डेटा आता है. लेकिन कई बार क्या होता है कि डेटा बीच में लॉस हो जाता है. उस लॉस को रोकने के लिए ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस बनाई गई. इस डिवाइस का पर्पज़ क्या है? 100% डेटा ट्रांसमिशन करना, कि डेटा का कहीं पर भी किसी भी तरह से लॉस नहीं होना चाहिए. 100% डेटा ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करना है. तो इसी डिवाइस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है. एक जस्ट एक वायर की तरह ही होता है ऑप्टिकल फाइबर. जैसा हमने आप लोगों ने कभी केबल का वायर देखा होगा, आप लोगों के घर में जो केबल आती है या DTH लगी होती है, लेकिन वो काफ़ी मोटा वायर होता है. ये काफ़ी बारीक वायर होता है. इसकी जो डायमीटर है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन कुछ वो डेटा ट्रांसफ़र का ही काम करता है ये, राइट. तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है. फर्स्ट थिंग तो प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसका, कि ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है, इसका सिद्धांत. देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है. देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, इस टाइप से कुछ चीज़ें पढ़ी होगी आपने. दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम. जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करती है, तो आप सब जानते हैं कि वो अभिलंब से दूर हटती है. ये आपतन कोण है थीटा, ये परावर्तन कोण है रिफ्लेक्शन कोण R. यदि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं, फॉर एग्जांपल थीटा को और बढ़ा दें, तो ये रिफ्लेक्शन का मान भी बढ़ता चला जाएगा, राइट. और एक समय ऐसा आएगा जब ये आपतन कोण इतना हो जाएगा कि हमारी जो परावर्तित किरण है वो लगभग 90 डिग्री पर परावर्तित हो जाएगी. ये 90 डिग्री पर परावर्तित होगी. इस कोण को बोलते हैं क्रांतिक आपतन कोण. अब यदि हमारे आपतन कोण को इस क्रांतिक आपतन कोण से बढ़ा दिया जाए, ये जो थीटा है, यानी कि जो इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल, जो आपतन कोण है, आपतन कोण आई, अगर तो ये जो आई है यहाँ पर, ये थीटा सी कहलाएगा, क्रिटिकल आपतन कोण. यदि आई को थीटा सी से बढ़ा दें, यानी आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से बढ़ा दें, तो परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है. इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन. ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, कि जो किरण है या जो रेज है या जो डेटा है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता हुआ उसी माध्यम में लौट जाता है और डेस्टिनेशन यानी अंतिम स्थान तक बिना डेटा लॉस हुए पहुंच जाता है. देखिए कैसे, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको. तो इसकी बनावट, ये तीन लेयर से मिलकर के बनता है, तीन लेयर का बना होता है. सबसे बाहर होता है बाहरी आवरण, इसे जैकेट बोलते हैं. उसके मध्य में होता है मध्य परत, मध्य आवरण, जिसे क्लेडिंग कहते हैं. और सबसे अंदर होता है आंतरिक परत, जिसे कोर कहते हैं. देखिए, इसकी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ यहाँ पर. ये तो हो गई आपकी सबसे बाहरी लेयर. इसके अंदर होती है दूसरी लेयर, जिसे मध्य परत कहते हैं. और सबसे अंदर होती है तीसरी लेयर, जिसे कोर कहते हैं. तो ये तो क्लेडिंग हो गई, ये कोर हो गई, और ये बाहरी आवरण जिसे हमने जैकेट बोला है. ये जैकेट का कार्य है क्लेडिंग को सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी चोटों से बचाना.
जो हमारा डेटा है वो कोर परत के अंदर ट्रेवल करता है, जो सूचना है या जो डेटा है वो कोर परत में ट्रेवल करता है, और जो क्लेडिंग है ये कोर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तीन लेयर का बना होता है, बाहरी आवरण जैकेट, मध्य आवरण क्लेडिंग और सबसे आंतरिक कोर। जो कोर है उसमें हमारा डेटा या सूचना जो ट्रेवल करती है, जो क्लेडिंग है ये कोर को सुरक्षा प्रदान करती है, और जो जैकेट है ये संपूर्ण ऑप्टिकल फाइबर को कम सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी चोटों से। देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक बना रहा हूँ डायग्राम, कोर का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोर है, मान लेते हैं इस तरह से, जब कोई सूचना या डेटा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, हम यहाँ कोर में ट्रांसमिट करेंगे उसको। और ये तो आपको अच्छे से पता होगा, आप सब जानते हो डेटा या सूचना जो होती है वो कोई न्यूमेरिकल या वर्ड डेटा तो होता नहीं है, ये एक लाइट होती है, प्रकाश के रूप में जाता है। तो प्रकाश को हम यहाँ कोर के अंदर भेजेंगे और ये भेजा जाएगा, आपतन कोण का जो मान होगा वो थीटा सी से ज़्यादा होगा। आपतन कोण का जो यहाँ मान होगा वो थीटा सी से ज़्यादा होगा, यानी क्रांतिक आपतन कोण से ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में, जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया प्रिंसिपल के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जैसे यहाँ से टकराएगी पुनः परावर्तित किरण, टोटल इंटरनल का मतलब वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। फिर जैसे यहाँ से टकराएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये टकराते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, यानी कि बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही ट्रेवल करती रहेगी लगातार, और इस तरह अंदर ट्रेवल करते करते अपने अंतिम स्थान तक पहुंच जाएगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कहीं पर भी डेटा लॉस नहीं हो रहा है। डेटा लॉस तब होता जब आई का मान थीटा सी से कम होता, तो डेटा हो सकता है कुछ डेटा इधर आउटसाइड निकल जाता, लेकिन हमारा आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से कोर परत के अंदर डेटा ट्रेवल करता हुआ अंतिम स्थान तक पहुँच जाता है और एकदम 100% एक्यूरेटली पहुँचता है। एक्यूरेटली तो इस तरह से कोर में ट्रेवल करते हुए पहुंचता है। लेकिन अगर आपको जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिद्धांत बताया, उसमें मैंने बताया कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब प्रकाश या डेटा सघन माध्यम से विरल में जाएंगे। जब प्रकाश या डेटा सघन माध्यम से विरल में जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कोर का म्यू है और क्लेडिंग का म्यू है, देखिए यहाँ से यहाँ इस कोर के अंदर सघन माध्यम होगा और यहाँ बाहर की तरफ विरल माध्यम होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि सघन से विरल में ट्रेवल करनी चाहिए। तो यानी कि म्यू कोर, कोर का अपवर्तनांक वो क्लेडिंग से ज़्यादा होगा, तभी जा कर के कोर सघन माध्यम बनेगा और क्लेडिंग विरल माध्यम बनेगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये एक बेसिक फंडा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल फाइबर का, कि म्यू कोर यानी कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग से ज़्यादा होना चाहिए, तब ही हमारे जो प्रिंसिपल है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जब आई इज़ ग्रेटर देन थीटा सी होगा। तो इस तरह से डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करता हुआ अंतिम स्थान तक पहुँच जाता है और एक्यूरेटली पहुँचता है। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर और बनावट हो गई, और कैसे कार्य करता है वो उसके बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, कि ये काम किस किस फील्ड में काम आता है। एप्लीकेशन फर्स्ट, मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में जैसे कि रेडियो में, टीवी में, इन दोनों में जैसे हमारे डेटा, जैसे हमारे केबल आती है तो डेटा उनमें से कहीं कई बार डेटा लॉस हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में एक ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाए, या इंटरनेट के अंदर, उनके अंदर ऑप्टिकल फाइबर, तो डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा, 100% डेटा आएगा। सेकंड, डिफेंस में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कि कैसे कि हमें डिफेंस के अंदर हम हेडक्वार्टर से या आर्मी को या कहीं पर भी हमें किसी को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है किसी भी तरह की, तो एकदम एक्यूरेटली पहुँचनी चाहिए, तो डिफेंस में। थर्ड, चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे, कि जैसे कि हमें मान लीजिए कि किसी डॉक्टर को हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन की स्टडी करनी है,
बॉडी ऑर्गन की, तो आपको या आपको ध्यान होगा एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं जो कैमरा लगा करके स्टडी करते हैं। तो अगर उस डॉक्टर के पास अगर कहीं पर डेटा लॉस हो जाए और एक्यूरेटली स्ट्रक्चर नहीं आए बॉडी के अंदर की, तो वो पता नहीं कर सकता कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है आजकल एंडोस्कोपी में, ताकि एक्यूरेटली स्ट्रक्चर डॉक्टर के पास आए और वो आइडेंटिफाई कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। सेकेंड थिंग, सेंसर के रूप में जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो ये म्यू कोर और म्यू क्लेडिंग के म्यू के मान में परिवर्तन होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे सघन और विरल जो कॉन्सेप्ट है यानी म्यू कोर इज़ ग्रेटर देन म्यू क्लेडिंग, ये कम ज़्यादा होने लग जाते हैं। और अंत में कुछ समय पश्चात जब टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, तो जो हमारा डेटा है, क्योंकि जब म्यू कोर सघन नहीं रहेगा, म्यू क्लेडिंग विरल नहीं रहेगा, तो डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा यानी कि बाहर चला जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और वहाँ पर एक लाइट जलती हुई नज़र आएगी, तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करेगी यानी सेंसर के रूप में। और ये कहाँ होता है, गाड़ियों में पॉल्यूशन चेक करने के लिए, कि कहीं गाड़ियाँ अगर पॉल्यूशन ज़्यादा रिलीज़ कर रही है, तो डेटा लॉस की वजह से वहाँ लाइट जल जाती है और पता चल जाता है कि गाड़ी पॉल्यूशन ज़्यादा रिलीज़ कर रही है। तो इस तरह से इन चार पांच क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑप्टिकल फाइबर आज की साइंस के लिए, आज की जनरेशन के लिए। थैंक यू, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो उम्मीद है जिन बच्चों ने अगर क्लास मिस कर दी हो अपने कॉलेज के दौरान, या जो नहीं जा पाए हों, उन्होंने नोट कर लिया होगा, एग्ज़ाम में उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।